हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी बज रहे सुबह का 11:30। तो अभी मैं बस सोचा कि चलो आज व्लॉग स्टार्ट कर देते, क्योंकि व्लॉग भी देना था। तो अभी मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करें, उससे आगे कल जब मैं मतलब कल आंटी का बर्थडे था, तो पापा की वो वाला वीडियो देखो, तब मैं इधर से ही वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस देखो, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल सकती, पिज्ज़ा ऑर्डर किया हूँ मैं, मतलब आज आंटी का बर्थडे, तो आंटी पिज्ज़ा ऑर्डर की। तो देखो पिज्ज़ा आ गया, दिखाता हूँ। एक पिज्ज़ा हट देखिए, अभी और एक पिज्ज़ा आ रहा है। वो क्या ओवन पिज्ज़ा ऐसे करके कुछ नाम है, उधर से आ रहा है। तो गाइस देखो, मैं हम लोगों ने ये ऑर्डर किया था, मोमो मिया पिज्ज़ा, ये आ गया है। देखने से तो गाइस लग रहा है कि मतलब टेस्टी होगा, मैं तो एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करके अब, और इसके संग क्या आया है, एक टिश्यू और एक चिली फ्लेक्स, एंड एक ऑरिगेनो। कल का हम यार 3-4 पैकेट देते, एक एक पैकेट दिए। चलो तो गाइज अब करते इसको टेस्ट, देखने से तो लग रहा है कि काफी अच्छा होता है टेस्ट इसका। गाइज मैं बोलूँ तो इसका टेस्ट मतलब बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बस ये थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब हल्का गर्म रहता ना तो अच्छा लगता, ऐसे में हल्का ठंडा हो तब भी गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। स्पाइसी मतलब हल्का स्पाइसी है, नॉर्मल है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, मुझे तो अच्छा लगा। तो गाइस देखो, मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब खाते इसको, अब खाने में मजा। तो गाइस देखो, हम लोग को ये दूसरा पिज्ज़ा भी आ चुका है, अब इसको अनपैक। तो गाइस देखो, ये दो टाइप का पिज्ज़ा आया है। गाइस मैं सच बता रहा हूँ, ये जो पिज्ज़ा हट से ज़्यादा अच्छा पैकिंग मुझे इसका लगा, ओवन स्टोरी का। तो अब ये दिखाते हैं, इसमें देखते कौन सा पिज्ज़ा है। इसमें ये है, इसका नाम मैं देख के बता दूंगा क्या है। दो टाइप का था यार, रुको गाइस 1 सेकेंड। देखो गाइस दो टाइप का है, देखने से तो ज़्यादा अच्छा गाइस ये वाला लग रहा है, पर पता नहीं इसका भी टेस्ट अच्छा हो सकता है, तो ट्राई। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं एक तो पिज्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खा चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ कंपैरिजन करने का कि तीनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है, मतलब ज़्यादा टेस्टी कौन सा है। तो चलो करते हैं, मतलब एक तो मैं आगे ही टेस्ट कर लिया, उसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं सच बोल रहा हूँ। अब देखते हैं ये दोनों में से कोई उससे अच्छा है कि नहीं। मुझे ज़्यादा उम्मीद तो इससे लग रहा है कि ये उससे अच्छा हो सकता है, इसका मुझे लग रहा है उम्मीद नहीं उतना। तो गाइस कब करते हैं इस दोनों पिज़्ज़ा को टेस्ट, आगे ये वाला टेस्ट करते हैं। 1 सेकेंड गाइस। तो फर्स्ट ये गाइस देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस ये भी बहुत ही अच्छा है, पर मतलब सही है, इसमें क्या बस ज्यादा चीज का फ्लेवर है, पर टेस्ट अच्छा है। पर जो पिज्जा का था वो ज्यादा अच्छा था। कोई नहीं, अब इसको ट्राई करते हैं, जो दूसरा वाला उसको ट्राई करते हैं। अब ये वाला टेस्ट करते हैं। गाइस मुझे ये वाला उतना अच्छा नहीं लगा, इस दोनों में से गाइस मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। ये थोड़ा मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में पिज्ज़ा हट को फर्स्ट वाला, ये सेकंड और ये वाला थर्ड, मतलब ये उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। भाई जब आप ये ट्राई कर सकते हो, मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, ये वाला नहीं। तो गाइस मैं तीनों पिज़्ज़ा टेस्ट कर चुका, मुझे तो सबसे अच्छा वो पिज़्ज़ा हट का मोमो मिया पिज़्ज़ा लगा, ये दोनों सही था एक। और गाइस जो ओवन स्टोरी के, एक नेपोली कुछ पिज़्ज़ा का नाम था, नेपोली वेज, और एक था कुछ ये क्या था, मार्गरेटा डबल चीज़। मुझे वो नेपोली वाला ज़्यादा अच्छा लगा, वो मार्गरेटा अच्छा नहीं लगा। तो आप फर्स्ट पिज़्ज़ा का मोमो मिया पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हो, और सेकंड वो नेपोली वेजीज पिज़्ज़ा ऐसे कर दूसरा, और मार्गरेटा मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो गाइज आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया, आप लोगों ने देखा मुझे कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा लगा, मुझे सबसे अच्छा पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा अच्छा लगा। तो होप कि आप लोगों को वो वाला कंपेरिजन अच्छा लगा हो। और अभी अभी तो कुछ प्लान ऐसा है नहीं, पर आज हो सके तो मैं नानी घर जाऊँगा, तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ।
कहते मैं घर से तो निकल चुका हूँ, मम्मी आ रही है पीछे। मम्मी अभी तक नहीं निकली, कभी निकलती है तो फिर जाता हूँ, फिर मैं नानी घर जाऊँ, क्योंकि बहुत मतलब मामा भी गए हुए हैं घूमने, तो मतलब नानी घर पे अकेले थे और मेरे को स्कूल से भी छुट्टी नहीं मिली थी इसलिए मैं नहीं जा पा रहा था। अब स्कूल से छुट्टी मिला तो चलो नानी घर चलते, मुझे बहुत दिन हो गया गया हुआ, ऐसे नानी भी मामा नहीं है तो अकेले बोरी होते हैं। देखो मम्मी पीछे आ रही है, चलो अभी नानी घर चलते हैं। तो गए थे मैं रास्ते में चला था, मुझे आगे एक झालमुड़ी वाला अंकल देखो, हमें खरीद दीजिएगा। चलो गए जल्दी चलते नहीं तो अंकल चल जाएंगे, बहुत दिन बाद मुझे वो दिखे। तो गए देखो अभी तो फिर अंकल कटकटी बना रहे। तो देखो गए थे मैं खा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मैं अंकल को बोला था पैक करने के लिए, पर अंकल अभी एक मतलब स्कूल का छुट्टी होता तो अंकल उधर जा रहे थे, तो वैसे बाबू खाते खाते चल जाओ नहीं तो मेरे को लेट हो जाएगा। तो हम अंकल को बोले ठीक है मतलब पैक मत ही कीजिए, पर मैं खा रहा हूँ बहुत ही अच्छा टेस्ट। तो कहते नानी घर तो आ चुका हूँ, नानी इधर बैठ रही है। तो नानी मामा नहीं है तो भी अच्छा लग रहा है? एकदम अच्छा नहीं लग रहा बाबू। नानी बोर हो गए, मैं भी नानी घर बहुत दिन बाद है, लगभग लगभग 1 महीना हो गया होगा। नहीं नहीं 15 दिन बाद। 15-20 दिन हुआ होगा, तो 15-20 दिन बाद आया। तो अभी नानी मतलब फोन चला रही थी हम लोग आए तो अभी बैठते हैं थोड़ा देर, क्योंकि आए तो अब बाहर में धूप बहुत ज्यादा था, तो मैं मतलब ये हो रहा है मतलब थक गया हूँ हल्का हल्का, तो अभी रेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी मामा नहीं तो लोग बोर हो रहे, क्योंकि मामा रहते थे तो हंसाते थे हल्का, तो अभी हम लोग बैठे हुए फोन चला रहे थे, नानी और मम्मी बात कर रही थी, मैं तो फोन चला रहा था, क्योंकि मामा रहते तो मामा हल्का जोक वोक करते तो हंसी आता है। नानी आज खाना क्या बनाई थी? खाना बनाया है, लिट्टी बनाए हैं, बैंगन टमाटर का चोखा बनाए हैं। तो गाइस देखो अभी मैं फोन देख रहा था तो नानी मुझे बोले कि आर्यन तुमको ये चाहिए, तो मैं बोला क्या है, तो नानी बोले ये देखो क्या है मतलब कुछ बाल में लगाने वाला है। तो मैं देखा तो देखा ये मुस्टैक का कुछ हेयर का मतलब हेयर क्या है ये, योर हेयर इज योर क्राउन मतलब कुछ हेयर में लगाने वाला, तो देखेंगे क्या है घर में जाके, हेयर क्रीम है। तो मैं नानी को बोला कि मामा नहीं लगाते, तो मामा बोले मतलब नानी बोले कि मामा है, कुछ नहीं लगाते मतलब इसे पूरा नया ही है। तो मैं बोला चलो मैं ले लेता हूँ, आप लोग दिखा। तो गाइस देखो अभी ये पूरा न्यू का न्यू है, देखो गाइस पूरा न्यू है। तो घर जाके इसको ट्राई करते आप लोग बताते कैसा है। तो कहते हम लोग नानी घर से निकल चुके हैं, अभी हम लोग अपने घर के पास पहुंचने ही वाले, बस घर पहुंचने ही वाला है। नानी सोई हुई थी इसका तो को नहीं दिखा नानी इससे मतलब आज वक्त नहीं दिखा नानी को। मम्मी आपको कैसा लगा इतने दिन बाद जाके? बहुत अच्छा लगा, आने का मन ही नहीं करता सच में। हाँ पर घर में मतलब मुझे तो ट्यूशन जाना है इसलिए मैं आ गया, मम्मी को भी तो हाँ मैं तो मैं मतलब मैं तो मम्मी को भी आना पड़ा, तभी घर जाने के बाद रुकते। तो गई नानी घर से आने के बाद मैं ट्यूशन चल गया था, ट्यूशन से अभी आया तो सोचा कि अब व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा हो लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।